मैं तो आपका मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो पर, मैं आपका दोस्त जय मध्य प्रदेश के देवास ज़िले से, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जिन गाड़ियों में प्रेशर ब्रेक यानी इस तरह का ब्रेकिंग सिस्टम होता है, उन गाड़ियों के ब्रेक के अल्टर कैसे कम या ज़्यादा किए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा इसकी पूरी प्रोसेस कि इसमें आपको कहाँ से ब्रेक अल्टर चढ़ाना है या उतारना है। कभी पहिए कम ब्रेक लग रहा हो तो आप इसे कैसे चढ़ा सकते हैं और ज़्यादा लग रहा हो तो कैसे कम कर सकते हैं। चलो चलते हैं नीचे गाड़ी के। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा हो, ये जिस ब्रेक रेचिट है यहाँ से आपको अल्टर कम ज़्यादा करना है। जो आपको नट लगी दिख रही है, ये 12 नंबर नट लगी हुई है यहाँ पर, मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे दो पाने लिए हैं, एक है 12 नंबर और एक है 14 नंबर। इस तरीके के पाने का यूज़ करना आपको। यहाँ पर मैंने लिया है एक टेफिट गेज, मैं इसमें से कोई भी एक पत्ती निकाल लूँगा। आप इसकी जगह पर या तो आरी का पत्ता या चाकू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ करना मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसा दिख रहा हो यहाँ पे, ये यहाँ पे होल दे रखा है, यही ये लाइनर ब्रेक लाइनर है और ये ब्रेक ड्रम है। ये कि यही जगह यहाँ पे नीचे भी दे रखी है आपको। इस रबर को भी आपको इस तरीके से निकाल लेना है और यहाँ पे आपको अब ये जो गेज है इसको यहाँ पे आपको लाइनर और ब्रेक ड्रम के बीच में डाल के देखना है कि इसमें कितनी गैप है। आप देख सकते हैं अभी पूरा बहुत इसमें प्ले है। आप इसको इस प्ले को कैसे कम करना है और चारों ब्रेक अल्टर कैसे मिलाना है मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रेक रेचिट में जो नट लगी हुई है इसे आपको फुल टाइट करना है। आप जितना टाइट करोगे उतना ये पहिया जाम होता चला जाएगा, मतलब इसके अल्टर अभी चढ़ रहे हैं। कसने पर इसके ब्रेक अल्टर चढ़ेंगे और खुलने पर इसके ब्रेक अल्टर कम हो जाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसे पूरा टाइट कर दिया है। इसे आपको फुल टाइट कर लेना है। उसके बाद में आप इस पत्ती को देखना है कि ये टाइट हुई या नहीं। आप देख सकते हैं फुल टाइट हो चुकी है। अब मैं धीरे धीरे इसे उतारूंगा, इस पत्ती को फ्री करूंगा। देखते हैं कितने टाइम में फ्री होती है, कितनी बार इसको उतारना पड़ता है। अभी भी टाइट है ये। आपको इसे इतना टाइट करना है कि ना तो पहिया गर्म हो ना ब्रेक कम लगे, मतलब ब्रेक भी सही लगे और पहिया भी गर्म ना हो। तो आप देख सकते हैं अभी भी कुछ हल्का सा ये टाइट है। मैं इसे हल्का सा और उतार के दिखाता हूँ आपको। बस आपको इतना फ्री रखना है इसको कि ब्रेक लाइनर और ब्रेक ड्रम के बीच में कम गैप रहे। कुछ इसी तरीके से आप ब्रेक अल्टर अगले कर सकते हैं। मैं आपको अगले पहिया का बता रहा हूँ। पिछले पहिए में भी सेम प्रोसेस है, पर उसकी थोड़ी रेचेट थोड़े अलग टाइप से लगे होते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी एकदम फ्री है। अब आपको इस तरीके से गाड़ी आगे पीछे थोड़ा हिला के देख लेना है कि गाड़ी के पहिए पूरी फ्री है, बस जाम नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस थी अगली। अब यही सेम प्रोसेस हम पिछले ब्रेक में भी करेंगे। चलते अब पीछे। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये ब्रेक बूस्टर है पिछले पहिए में। बताता हूँ आपको इसका रेचिट कहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे लगा हुआ है इसका ब्रेक रेचिट और जहाँ से अल्टर होंगे वो भी बताता हूँ आपको, ब्रेक अल्टर कहाँ से होना है। तो अभी आपको दिख रहा है ये नट दिख रहा होगा, इसको आपको अंदर की साइड दबा इस तरीके से यहाँ पर पाना लगाना है आपको। आपको भी ये भी आप जितना टाइट करोगे उतना ब्रेक चढ़ेगा और जितना खोलोगे उतना ब्रेक कम हो जाएगा। तो आपको भी यहाँ पर इसे यहीं पे यूज़ करना है जैसा सेम हमने आगे किया था। इसके ब्रेक अभी बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं, पहले मैं इनको उतारता हूँ। देख सकते हैं आप इसमें ये पत्ती अब आसानी से घुस गई है। बस इतना ही फ्री रखना आपको इसमें, को भी कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गया। इस तरीके से आप गाड़ी की अल्टर खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी के ब्रेक कम या ज़्यादा लग रहे हो तो इस तरीके से आप गाड़ी को ठीक कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी कुछ आज की इन्फॉर्मेशन। वीडियो को भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे।